देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। यूपीएसटीएफ ने एक्टिव मोड में आते हुए लखनऊ के मदेगंज इलाके से अहमद वेग नदवी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अहमद वेग नदवी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य रहा है और पीएफआई के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर यूट्यूब पर लोगों को बरगला रहा था। बता दें कि पकड़ा गया अहमद वेग नदवी 2018 तक लखनऊ के नदवा कॉलेज में पढ़ाता भी था। ओमान समेत कई खाड़ी देशों में जाकर पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने का काम कर रहा था। श्रावस्ती का रहने वाला अहमद वेग नदवी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शादाब हमसे जुड़े हैं। शादाब, यूपीएसटीएफ लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, वहीं अब एसटीएफ ने अहमद वेग नदवी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूरी, मैं बता दूं कि कल देर रात छापा मारा गया था जिसमें अहमद बेग नाम का व्यक्ति यहां से हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उसको जो उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। हम आपको यही बता दें कि अहमद बेग यहाँ किराए पे रहता था और उससे इससे पहले वो कई एक पार्टी से नेता भी था और उसने इलेक्शन भी लड़ा था, हालांकि वो हार गया था। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जब एनआरसी और सीए हुआ था तो उसमें इसकी अहम भूमिका बताई जा रही है और साथ ही ये उसमें भी जेल जा चुका है। फिलहाल अभी जो एसटीएफ ने पकड़ा है, पूछताछ जारी है और ये आगे की बात निकल के सामने आएगी कि आगे क्या निकल के सामने आता है कि अभी और इसके क्या इसके हालात है। जी सादाब, ये पीएफआई के लिए कितने सालों से काम कर रहा था और यूट्यूब के जरिए बरगलाने का काम कर रहा था, कब से ये इसका काम चल रहा था? देखिए मैं बता दूं मयूरी कि अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि ये कब से काम कर रहा था, लेकिन पीएफआई के लिए जैसा कि एसटीएफ ने बताया है कि पीएफआई के लिए काम कर रहा था और अहम दस्तावेज कुछ मिले हैं जो गतिविधियां गलत बताई जा रही थी, जिसके चलते एसटीएफ ने और साथ ही जो एनएआई है उसने आके यहाँ पे छापा मारा था, उसके बाद ही उसको हिरासत में लिया गया था। फिलहाल उसके खिलाफ कई अहम चीजें मिली हैं, दस्तावेज मिले हैं जिससे वो देश विरोधी की चीजें सामने आ रही थी। इसके चलते मदेगंज जो थाना है वहाँ की पुलिस और संयुक्त और साथ ही संयुक्त टीम और एसटीएफ ने साथ में पकड़ा है, इसको हिरासत में लेके पूछताछ की है। फिलहाल उसको अभी कोर्ट में पेश किया गया है। अब ये देखने वाली बात है कि इसको कितना रिमांड पे लेते हैं और कई दिन की रिमांड पे लेते हैं। जी मयूरी, शादाब, एसटीएफ ने अहमद बेग नदवी को तो गिरफ्तार किया ही है, क्या इसके अलावा और लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मयूरी मैं बता दूं कि पूरे भारत में जिस हिसाब से छापे मारे गए थे पूरे टोटल 108 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां से उन्होंने 8 लोगों को हिरासत में लिया है जिसमें अहमद बेग भी आता है। फिलहाल अभी इनसे पूछताछ जारी है, अब देखने वाली ये बात होगी कि आगे निकल के क्या सामने आता है, लेकिन जिस हिसाब से ये गतिविधियां थी इसकी, इसको लेके इसको हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई तो उसमें कई अहम चीजें देश विरोधी निकल के आई हैं जिसके चलते इस पे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एसटीएफ ने मदेगंज थाने में इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात है कि आगे और क्या क्या इनके साथ कौन कौन साथी थे और कौन कौन लोग इसके साथ मिलके देश विरोधी कार्य कर रहे थे, ये देखने वाली बात होगी अब कौन आगे और निकल के आता है। धन्यवाद शादाब तमाम जानकारियों के लिए। सीतापुर में दबंग छात्र ने प्रधानाध्यापक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। जानकारी मिली है कि क्लास में पढ़ाते समय प्रधानाध्यापक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। दबंग छात्र इंटरमीडिएट का बताया जा रहा है। गोलीकांड के बाद से प्रधानाध्यापक गंभीर हालत में इलाज जारी है। ये पूरा मामला बिसवा कोतवाली के सदरपुर की आदर्श रामस्वरूप कॉलेज का है।
सीतापुर से बड़ा मामला सामने आया है। दबंग छात्र ने प्रधानाध्यापक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। जानकारी मिली है कि क्लास में पढ़ाते समय प्रधानाध्यापक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। दबंग छात्र इंटरमीडिएट का छात्र बताया जा रहा है। ये मामला सीतापुर से है। प्रधानाध्यापक का इलाज जारी है। सीतापुर में दबंग छात्र ने प्रधानाध्यापक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सीतापुर से बड़ा मामला सामने आया है। दबंग छात्र ने प्रधानाध्यापक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। जानकारी मिली है कि क्लास में पढ़ाते समय प्रधानाध्यापक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। दबंग छात्र इंटरमीडिएट का छात्र बताया जा रहा है। गोलीकांड के बाद से प्रधानाध्यापक का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। ये पूरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनीस हमसे जुड़ेंगे। सुनीस, सीतापुर में दबंग छात्र ने प्रधानाध्यापक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। क्या वजह है गोलियां बरसाने की? ये सदरपुर थाना क्षेत्र का है। जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि कल दो लड़कों में जो लड़ा विवाद हुआ था, जिसके चलते प्रधानाध्यापक ने दोनों को डांट लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक छात्र गुरविंदर है उसके मन में ये बैठ गया कि प्रधानाध्यापक एक का पक्ष ले रहे हैं, जिसके चलते जब वह आज जब ये स्कूल चला और क्लास में लड़के सब पढ़ रहे थे, लेकिन प्रधानाध्यापक फील्ड में खड़े थे और उसी दौरान गोविंदर पीछे से आया और ताबड़तोड़ कम से कम दो गोलियां प्रधानाध्यापक चला दी और मौके से फरार हो गया। जी, तो अभी तक दबंग छात्र पर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी मयूरी, ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जब ये कांड हुआ तो उसके बाद तुरंत प्रधानाध्यापक को बिस्मा के सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस को ये सूचना दी गई तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और छानबीन भी की, लेकिन जो आरोपी है वह फरार हो चुका है और तहरीर देने वाले सभी परिजन उनके जो हैं वो अभी जिला अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। प्रधानाध्यापक का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? मयूरी, आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक की ठीक है, लेकिन फिर भी वो गंभीर रूप में घायल हैं और उनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। जी धन्यवाद सुनीस तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।